गुड मॉर्निंग क्लास। सो देखिए, लास्ट क्लास आपको सॉइल के पीएच के लिए बात हो गई थी। अब हम जो बात करने जा रहे हैं दैट इज अबाउट पीएच चेंज ऑफ एनिमल्स, यानी कि जैसे जैसे हम पीएच चेंज करेंगे तो उस पीएच की चेंज होने से सर्वाइवल ऑफ एनिमल्स, यानी कि जो एनिमल्स हैं, जो कोई भी हो, चाहे ह्यूमन बीइंग्स हो या कोई भी क्रिएचर हो, उसके ऊपर क्या इफेक्ट आ सकता है, वो कहाँ तक इस चीज़ को बेयर कर सकता है, और फिर एक लिमिट के बाद कैसे नुकसान उसको देखने को मिल सकते हैं, तो आइए डिस्कस करते हैं। द पीएच प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द सर्वाइवल ऑफ एनिमल्स। किसी भी एनिमल्स, चाहे वो ह्यूमन बीइंग्स हो, क्रिएचर्स हो, बर्ड्स हो, कुछ भी हो, उनके सर्वाइवल में पीएच का बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट रोल होता है। आवर बॉडी वर्क्स वेल विद इन अ नैरो पीएच रेंज ऑफ 7 to 7.8। हमारी जो बॉडी है वो सबसे अच्छा काम, यानी कि हर पार्ट अपना अच्छा अच्छा काम 100% वर्क कब कर पाते हैं, जब पीएच की वैल्यू 7 से लेके 7.8 के बीच में हो, यानी कि थोड़ी बहुत बेसिक हो सकती है, एसिडिक बिल्कुल ना हो, क्योंकि जैसे 7 तो न्यूट्रल है, 7 के जैसे जैसे आप ऊपर जाने लगते हैं बेसिक कैरेक्टर धीरे धीरे क्या होती है, बढ़ने लगती है। इफ ड्यू टू सम रीजन दिस पीएच रेंज गेट्स डिस्टर्ब इन द बॉडी ऑफ ए पर्सन, अब रीजन जो भी हो, अगर किसी वजह से किसी का पीएच की जो रेंज है वो 7 और 7.8 के बीच में ना हो के या तो 7 से कम हो जाती है या 7.8 से ज़्यादा हो जाती है, तो उस केस में देन मेनी एलिमेंट्स कैन अकर, तो उस केस में हमारे बॉडी पार्ट्स के जो भी बॉडी के पार्ट्स हैं उनके जो प्रोसेस है काम करने का वो डिस्टर्ब हो जाता है। कई बार ज़्यादा होने की वजह से ज़्यादा बिगड़ जाता है, यानी कि हमें हॉस्पिटल तक जाने की जरूरत पड़ जाती है। कभी कभार अगर थोड़े बहुत चेंजेस आते हैं तो हमें थोड़ी बहुत दिक्कत होती है, हम मेडिकल से मेडिसिन वगैरह ले लेते हैं और फिर वो धीरे धीरे नॉर्मल हो जाती है। द एक्वेटिक एनिमल्स लाइक फिश कैन सर्वाइव इन लेक और रिवर वाटर विद इन अ नैरो रेंज ऑफ पीएच चेंज, यानी कि जो एक्वेटिक एनिमल्स वही होती हैं जो वाटर के अंदर हैं, जैसे फिश हो, अगर लेक हो, रिवर हो, सी हो, कुछ भी हो, उसकी पीएच रेंज थोड़ी बहुत चेंज हो जाती है तो कोई दिक्कत नहीं है, वो उतना बियर कर पाएंगे। लेकिन अगर ज़रूरत से ज़्यादा चेंजेस आ जाते हैं तो फिर उनके लिए वहाँ सर्वाइव करना मुश्किल हो जाता है। दिस विल बिकम मोर क्लियर फ्रॉम द फॉलोइंग एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल लेंगे एसिड रेन की हम, उससे आपको क्लैरिटी और बढ़ जाएगी। क्या है, When the pH of rain water is about 5.6, it is called acid rain। जब हम जो रेन वाटर होती है ना, बारिश का पानी, नॉर्मली तो वो 7 का अराउंड होती है, लेकिन कभी कभार उसका pH घटते घटते कितना जाता है, 5.6, तो उस रेन वाटर को हम एसिड रेन कहते हैं। सिंपल सी बात है, क्यों, क्योंकि जैसे जैसे 7 से नीचे pH की वैल्यू आती गई, वैसे वैसे एसिडिक कैरेक्टर क्या होता गया, बढ़ता गया, यानी कि वो वाटर अब एसिड की तरह काम करने लगती है। टू मच एसिड रेन कैन लोअर द पीएच ऑफ लेक वाटर, अब मान लीजिए जब एसिड रेन हो गई, यानी कि जो वाटर ऊपर से नीचे आया वो कैसा था, एसिडिक हुआ नेचर में, यानी उसकी पीएच कम थी, जब वो लेक में या कहीं पे इकट्ठा होगा तो आसपास की चीज़ों की पीएच की वैल्यू को बढ़ाएगा या घटाएगा, वो भी घट जाएंगी उसके साथ साथ। अगर वो लेक में ज़रूरत से ज़्यादा एसिड रेन हो जाती है या फिर एसिड रेन का पानी इकट्ठा हो जाता है, तो जो लेक का वाटर है उसकी भी पीएच की वैल्यू लगातार धीरे धीरे कम होने लगती है, और ऐसे में जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं वो मरना स्टार्ट हो जाते हैं। ओके, टू मच एसिड रेन कैन लोअर द पीएच ऑफ लेक वाटर और रिवर वाटर टू सच एन एक्सटेंट एंड मेक इट सो एसिडिक, और उसके बाद अगर लगातार ऐसे कंडीशन बना रहा तो धीरे धीरे लेक, सी, वाटर जो भी है, या रिवर कह लीजिए या पॉन्ड कह लीजिए, तो उनकी पीएच की वैल्यू लगातार कम होने लगती है और एक लिमिट के बाद एक्वेटिक एनिमल्स फिर मरना स्टार्ट कर जाते हैं। द हाई एसिडिटी ऑफ लेक वाटर और रिवर वाटर कैन इवन किल द एक्वेटिक एनिमल्स, अगर एसिडिटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई, चाहे वो लेक वाटर हो या रिवर वाटर, इन जनरल हम लेक, रिवर और पॉन्ड्स की ही बात करते हैं, सी और ओशन की बात नहीं करते। अगर आपसे कभी कोई पूछ ले कि क्यों, तो आप उसका भी जवाब दे सकते हैं, क्योंकि सी और ओशन के अंदर जो पानी है वो इतना ज़्यादा है कि अगर आप बारिश की पानी, दो चार नदियों की भी पानी ला के उसमें मिला दें, तो अगर पानी बहुत ज़्यादा है तो उसके पीएच की वैल्यू में कुछ खास चेंजेस देखने को
नहीं मिलेगा। आप ऐसे समझिए, अगर आपके घर पे एक छोटा सा बॉक्स है और आप मेहनत करके उसको चाहते हैं एक जगह से उठा कर दूसरी जगह ले जाए, तब ले जा सकते हैं कि नहीं? ले जा सकते हैं। अभी आप मान लीजिए आपने जिद कर लिया, नहीं आज हम अपने घर को उठा के स्कूल के पास ले जा के रखेंगे, मेरी ट्रांसपोर्ट की फीस बच जाएगी। हाँ, माइंड में आ गया कि अब हम घर को ही लेके जाएंगे वहाँ पे। क्या आप ऐसा कर सकते हैं? नहीं। कैसा हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। आप मशीन्स का यूज करके कर सकते हैं क्योंकि उनकी कैपेसिटी है, लेकिन आपकी कैपेसिटी से वो बाहर की बात है ना? वैसे ही है, जब बारिश की पानी आएगी तो बारिश की पानी की वजह से वहाँ जो पहले का पानी था वो ख़राब हो रहा है, यानी उसकी पीएच की वैल्यू कम हो रही है। अगर जो पहले का पानी वो बहुत ज़्यादा है और उसमें आप आके थोड़ा सा पीएच कम वाला पानी मिला देते हैं, क्या उसकी वजह से सारे पानी के पीएच कम हो जाएगा? नहीं होगा। यानी कि सी और ओशन के अंदर इतना ज़्यादा पानी होता है कि एसिड रेन का कुछ खास इफेक्ट देखने को हमें नहीं मिलता। नेक्स्ट देखिए, कैल्शियम कार्बोनेट इज ऑफन एडेड टू एसिडिक लेक वाटर टू न्यूट्रलाइज द एसिड दैट कम्स फ्रॉम एसिड रेन। अगर मान लीजिए हम मछली पालन करते हैं, बहुत सारे लोग मछली पालन करते हैं ना, वो क्या करते हैं, मछलियों को पालते हैं फिर उसको बेच देते हैं। अगर जो लोग मछली पालन करते हैं तो वो क्या करेंगे, जैसे एसिड रेन हो जाती है तो वो तुरंत अपने लेक में कैल्शियम कार्बोनेट जो कि क्या है चौक को मिक्स कर देते हैं। ऐसा करने से क्या होगा, क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट क्या है, बेस। एसिडिक रेन की वजह से आपका पानी कैसा हो गया था, हाँ एसिडिक हो गया था, पीएच की वैल्यू कम हो गई थी। जब आप बेस मिलाएंगे तो वाटर क्या होगा, फिर से धीरे धीरे न्यूट्रल होने लगेगा, यानी कि पीएच की वैल्यू लगातार फिर धीरे धीरे बढ़ के कहाँ चली जाएगी, 7 के आसपास पहुँच जाएगी। और इस तरह से जो उस लेक के अंदर एक्वेटिक एनिमल्स हैं आप उनको बचा सकते हैं, यानी कि वो बचा सकते हैं। दिस प्रिवेंट्स द फेस इन द लेक नॉट फेस फिश इन द लेक फ्रॉम बीइंग किल्ड। और इस प्रोसेस से आप जो मछलियाँ उस लेक में, रिवर में या पॉन्ड में थी, आप उनको बचा सकते हैं। तो है ना ये काम की चीज़। चले, देखिए और भी कुछ चीज़ें यहाँ पर दी हुई है, आपको जो नोट करना था तो बताना ही भूल गए हम। आप यहाँ से नोट करेंगे और यहाँ तक 7.8 तक, ठीक है। उसके बाद यहाँ से कैल्शियम कार्बोनेट से लेके यहाँ एसिड रेन तक कर सकते हैं। चलिए, बीच का जो है उसको आप छोड़ दीजिएगा, बस वो आपको जानने के लिए था, आप उसको जानते रहिए। आइए नेक्स्ट बात करते हैं। इसमें एक और पॉइंट दिया हुआ है जो कि काफ़ी अच्छा है, आप इसको यहाँ से यहाँ तक पूरा कंप्लीट नोट कर लेंगे। देखिए क्या दिया है, एसिड्स आर ऑल्सो प्रेजेंट ऑन अदर प्लैनेट्स। ये जो एसिड्स हैं ना वो सिर्फ हमारे प्लैनेट पे नहीं है, ये दूसरे प्लैनेट्स पे भी पाई जाती हैं। फॉर एग्जांपल द एटमोसफेयर ऑफ प्लैनेट वीनस। वीनस कौन सा प्लैनेट है, दिस इज द सेकेंड नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन। सन का जब आप ऑर्डर देखेंगे डिस्टेंट वाइज तो सेकेंड ऑर्डर पे कौन आता है, वीनस। पहले मरकरी है, फिर वीनस है, उसके बाद अर्थ है। इज मेड अप ऑफ थिक वाइट एंड येलोविश क्लाउड ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। अगर आप वीनस के बारे में थोड़ी बहुत कहीं से जानकारी इकट्ठा करें तो आपको पता चलेगा कि जो वहाँ का एटमोसफियर है वो किस कलर का होता है, एकदम मोटा सा एटमोसफियर है, वाइट और येल्लो कलर का। ऐसा कलर क्यों है, सल्फ्यूरिक एसिड की वजह से। क्योंकि सल्फर का कलर कैसा होता है, येल्लो, तो सल्फ्यूरिक एसिड की वजह से वहाँ का जो एटमोसफियर है वो पूरा मोटा सा वाइट और येल्लो कलर का होता है। यही रीजन है कि वहाँ पर लाइफ एग्जिस्ट नहीं करती, यानी कि अगर आप वीनस पे जाके रहना चाहें तो आप रह नहीं सकते। क्यों, क्योंकि वहाँ का पूरा एटमॉस्फेयर ही कैसा है, एसिडिक। अगर वहाँ का एटमॉस्फेयर समझिए कि हवा ही एसिड की तरह अगर काम करने लगे तो क्या आप सर्वाइव कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे ना, इसलिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, सेल्फ डिफेंस बाई एनिमल्स। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज सेल्फ डिफेंस बाई एनिमल्स एंड प्लांट्स थ्रू केमिकल, क्या दिया है, वारफेयर। हाँ शायद ठीक है, आपके बुक में तो अच्छे से दिख रहा होगा ना, आप वहाँ से नोट कर लीजिएगा, यहाँ ये विजिबल नहीं हो पा रहा है। चलिए देखिए, बहुत सारे प्लांट्स और एनिमल्स हैं जो खुद को बचाने के लिए भी एसिड का यूज करते हैं। हाँ बिल्कुल, जितने भी एंट्स हैं
आप देखिए उनको पकड़िए, वो आपको क्या करेंगी, स्टिंग करें, आपको काट लेती हैं। जब वो काटती हैं तो फॉर्मिक एसिड आपके अंदर डाल देती हैं। तो देखिए बहुत सारे एनिमल्स और प्लांट्स हैं जो अपने आप को बचाने के लिए एसिड्स का यूज करते हैं। देखिए मेनी एनिमल्स एंड प्लांट्स प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम देयर एनिमीज बाई इंजेक्टिंग पेनफुल एंड इरिटेटिंग एसिड्स एंड बेसिस इन टू देयर स्किन। बहुत सारे प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं जो अपने आप को बचाने के लिए, किससे, अपने दुश्मनों से, वो क्या करते हैं, पेनफुल यानी कि एक ऐसा एसिड या बेस आपके अंदर डाल देते हैं या बॉडी के अंदर जिसकी वजह से आपके अंदर पेन होने लगता है। फॉर एग्जाम्पल व्हेन अ हनी बी स्टिंग्स अ पर्सन, जब कोई भी हनी बी एक पर्सन को काट लेती है तो इट इंजेक्ट्स एन एसिडिक लिक्विड इनटू द स्किन विच कॉजेस इमेंस पेन एंड इरिटेशन। तो वो क्या करते हैं, कुछ जिसको काटते हैं उस टाइम पे अपने बॉडी के अंदर से निकाल के वो एसिड उस बॉडी के अंदर डाल देते हैं जिसको वो काट रहे होते हैं। जैसे वो एसिड हमारे बॉडी के अंदर आता है, अब हमें इरिटेशन होने लगती है, हमें बहुत ज़्यादा पेन होने लगता है, कई बार तो स्वेलिंग भी हो जाती है। इफ द बी स्टिंग अ पर्सन देन रबिंग अ मिल्ड बेस, मिल्ड यानी कि हाँ वीक बेस, जैसे कि मिल्क ऑफ मैग्नीशियम हो गया या मैग्नीशियम कार्बोनेट की बात कर सकते हैं आप। तो देखिए रबिंग अ मिल्ड बेस लाइक बेकिंग सोडा, अगर आपके घर पे बेकिंग सोडा है, सोडियम बाइकार्बोनेट, इसको हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कहते हैं, अगर आप उसको सॉल्यूशन बना के यानी पेस्ट बना के वहाँ पे रब कर दे तो आपको आराम मिल जाएगा। रीजन, जो सोडियम बाइकार्बोनेट वो कैसा है, बेस है, और जो बी ने आपको काटा था वहाँ पे कौन सा इफेक्ट उसने छोड़ रखा है, एसिडिक। जब एसिड बेस एक दूसरे कॉन्टैक्ट में आएंगे तो न्यूट्रलाइज करेंगे और फिर वहाँ पे आपको नॉर्मल कंडीशन देखने को मिल सकती है। दिस इज बिकॉज बींग अ बेस बेकिंग सोडा न्यूट्रलाइज एसिडिक लिक्विड इंजेक्टेड बाई द बी स्टिंग एंड कैंसर इट्स इफेक्ट। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि जो बेकिंग सोडा आप लगा रहे हैं वो एक बेस है और जो आपके अंदर इरिटेशन क्रिएट कर रहा है वो एक एसिड है, वो आपस में एक दूसरे से कॉन्टैक्ट करके एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देंगे और फिर आपको नॉर्मल कंडीशन देखने को मिल सकता है। सो इफ अ वैस्प स्टिंग अ पर्सन, वैस्प एक इंसेक्ट है, अगर वो आपको काट ले देन रबिंग अ मिल्ड एसिड, क्योंकि जब वैस्प आपको काटते हैं, वैस्प जो इंसेक्ट होते हैं वो क्या करते हैं, काटते हैं तो वो आपके अंदर बेस डालते हैं, हाँ, तो उस केस में आपको बेकिंग सोडा लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। जब ऑलरेडी आपके अंदर अगर बेस है तो आपको क्या लगाना पड़ेगा, एसिडिक इफेक्ट वाला कोई सब्सटेंस यूज करना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, विनेगर, घर पे सिरका बोलते हैं, सिरका अगर मिल जाता है तो लोग क्या करते हैं, सिरका लगा लेते हैं, वो क्या होता है, वीक एसिड होता है। लाइक विनेगर ऑन द स्टंग एरिया ऑफ द स्किन गिव्स रिलीफ। अब जहाँ पे आपको किसी वैस्प ने काटा है वहाँ पे आप सिरका को लगा लीजिए या फिर आप नींबू का भी यूज कर सकते हैं थोड़ा बहुत, तो इससे क्या होगा, सिरका थोड़ा ज़्यादा काम करेगा, नींबू थोड़ा स्लो काम करता है, तो इसकी वजह से वो बेसिक इफेक्ट को कैंसिल कर देंगे, न्यूट्रलाइज कर देंगे और फिर आपको रिलीफ मिल जाता है। प्लीज नोट डैट अ बी स्टिंग इज एसिडिक वेयर एज वैस्प स्टिंग इज अल्कलाइन इन नेचर। अब आपको ये चीज़ ध्यान रखना है कि जब बी काटते हैं तो वो आपके बॉडी के अंदर क्या करते हैं, एसिडिक इफेक्ट इंजेक्ट करते हैं, जबकि अगर हम वैस्प की बात करें तो वो आपके बॉडी के अंदर क्या करते हैं, हाँ दे पुट अल्कलाइन बेसिक इफेक्ट इन योर नेचर। अल्कलाइन कौन होते हैं, ऐसे बेस जो वाटर सोल्यूबल होते हैं जिनको वाटर में हम मिक्स कर सकते हैं। अब देखिए आगे दिया है, एन एंट स्टिंग इंजेक्ट्स मेथेनोइक एसिड। जब एंट हमें काटती है तो कौन सी एसिड हमारे अंदर डालते हैं, मेथेनोइक एसिड, कई बार फॉर्मिक एसिड भी होता है, इसमें आपको ज़्यादा परेशान नहीं होना है, आपका जो मेथेनोइक एसिड है वही आपके फॉर्मिक एसिड भी होती है, ठीक है, उसके अलग अलग नाम है बस, जैसे आपके स्कूल के नाम कुछ और हो सकता है, घर का नाम कुछ और हो सकता है, कुछ वैसा ही है। ये नाम क्यों कैसे है वो आपको 11th में जब हम आपको पढ़ाएंगे केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो वहाँ सिखाई जाती है, तब तक आप इसको ऐसे ही जानते रहिए। इन टू द स्किन ऑफ द पर्सन कॉजिंग बर्निंग पेन, उसी तरह से बींग एसिडिक, यहाँ तक पूरा नोट कर लीजिएगा, वो क्या होता है, मेथेनोइक एसिड जब हमारे बॉडी के अंदर आता है तो जलन क्रिएट करता है, जलन का मतलब वो आपको ये नहीं कि पैर जलाने लगेगा, हाँ आपको काफ़ी ज़्यादा इरिटेशन फील होने लगता है। आगे देखिए क्या दिया है, बींग एसिडिक एन एंड स्टिंग कैन बी न्यूट्रलाइज बाई रबिंग अ मिल्ड बेस, क्योंकि मेथेनोइक एसिड का नेचर कैसा है, एसिडिक है, तो आप
मिल्ड बेस का यूज करके, यानी कि वीक बेस का यूज करके उसकी इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर सकते हैं और इस तरह से आपको रिलीफ मिल जाएगी। आगे देखिए, प्लांट्स आर नो बेटर देन एनिमल्स। अगर हम प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स में भी कुछ ऐसा हो सकता है, जैसे सम प्लांट्स आल्सो गिव पेनफुल स्टिंग्स, फॉर एग्जांपल नेटल, दिस इज अ वाइल्ड हर्बेसियस प्लांट। हर्बेसियस का मतलब ये बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं होता, घास की तरह होता है। आपके सामने ये दिया भी है, आपके बुक में अच्छे से क्लैरिटी से दिख रहा होगा। ये जो प्लांट है इसका नाम है नेटल प्लांट। ये कहाँ पाया जाता है? जंगलों में। द नेटल लीव्स हैव स्टिंगिंग हेयर, जो इनके पत्ते होते हैं ना उसमें हेयर होता है। व्हेन अ पर्सन हैपेंस टू टच द लीव्स ऑफ नेटल प्लांट एक्सीडेंटली, जब आप जा रहे होते और अचानक से आप उसको टच कर लेते हैं, द स्टिंगिंग हेयर ऑफ द नेटल लीव्स इंजेक्ट द मेथनोइक एसिड इन टू योर बॉडी या फिंगर। जैसे आप मान लीजिए जा रहे हैं और आपका हाथ उस पर टच कर गया, तो इसके अंदर जो ये हेयर्स आपको यहाँ पर दिख रहे हैं निकले, ये हेयर्स तुरंत आपके अंदर मेथनोइक एसिड को क्या करते हैं? इंजेक्ट कर देते हैं। यानी कि वो क्या चाहते हैं? आप हमें तोड़िए नहीं। देखिए, स्किन ऑफ द पर्सन कॉजिंग बर्निंग पेन, और इस तरह से क्या होगा? पेन होने लगता है। द नेटल स्टिंग बींग एसिडिक, अब जो ये नेटल की स्टिंग होगी वो क्या होगी? एसिडिक होगी। कैन बी न्यूट्रलाइज बाई रबिंग बेकिंग सोडा ऑन द स्किन, अब कोई भी मिल्ड बेस यानी वीक बेस लेके वहाँ पर रब करेंगे तो उसके इफेक्ट्स को आप कैंसिल आउट कर सकते हैं। इवन नेचर इटसेल्फ हैज प्रोवाइडेड रेमेडी फॉर द नेटल स्टिंग इन द फॉर्म ऑफ डॉग प्लांट। अब देखिए, अगर नेचर की बात करें तो नेचर ने ही तो सब बनाया है, नेचर इसका सॉल्यूशन भी देता है। एक और प्लांट है जिसका नाम है डॉग, उसके अंदर बेसिक इफेक्ट होता है। तो मान लीजिए जब भी आपको नेटल स्टिंग से एसिडिक इफेक्ट आपके अंदर आ गया हो तो आप डॉग प्लांट का यूज कर सकते हैं। सो अ ट्रेडिशनल रेमेडी फॉर द नेटल लीफ स्टिंग इज टू रब द स्टंग एरिया ऑफ द स्किन ऑफ द लीव्स ऑफ डॉग प्लांट पर्सन विद द लीफ ऑफ अ डॉग प्लांट। अब आप क्या करिए, डॉग प्लांट के जो पत्ते होते हैं उनको यूज करिए, उससे क्या होगा? बेसिक इफेक्ट निकलेगा और जहां पे आपको एसिडिक इफेक्ट ज्यादा हो गया था वो उसको न्यूट्रलाइज कर देंगे, ठीक है। और ये पता है कहाँ ग्रो करते हैं? दे आर ऑल्सो फाउंड इन द जंगल्स, और वो भी बहुत ज़्यादा दूर नहीं, जहाँ पे आपको नेटल दिखते हैं, नेटल प्लांट्स, उसी के आसपास आपको डॉग प्लांट्स भी देखने को मिल जाते हैं। यानी कि जहाँ प्रॉब्लम उसी के आसपास सॉल्यूशन भी मिल जाता है आपको। एक्चुअली द लीव्स ऑफ अ डॉग प्लांट कंटेन सम बेसिक केमिकल इन देम विच न्यूट्रलाइज द एसिडिक स्टिंग ऑफ द नेटल प्लांट लीव्स एंड गिव रिलीफ। अभी जो डॉग प्लांट है उसके अंदर जो केमिकल होता है उसकी बेसिक कैरेक्टर अच्छी होती है, वो क्या करता है? एसिडिक इफेक्ट को कैंसल आउट करता है और धीरे धीरे हमारे अंदर क्या हो जाता है? जो एसिडिक इफेक्ट ज़्यादा हो गई थी वो कैंसल आउट हो जाता है, क्लियर है। और इस तरह से ये टॉपिक यहीं पे फिनिश होती है। थैंक यू सो मच।